हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी एक्सचेंज स्कीम्स के बारे में, या फिर यूँ कहें प्रॉपर्टी स्वैप स्कीम्स के बारे में। सो एग्जैक्टली प्रॉपर्टी एक्सचेंज स्कीम्स होती क्या हैं, ये इसका प्रोसीजर कैसे काम करता है, या फिर आपका इसको एग्जैक्टली क्या बेनिफिट है, या फिर बेनिफिट है भी या नहीं, तो आज हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टी एक्सचेंज स्कीम में बिल्डर आपको ये ऑफर देता है कि आपकी किसी भी अदर प्रॉपर्टी को लेकर आइए और बिल्डर से नई प्रॉपर्टी को लेकर जाइए उसके बदले में। मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्कीम उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होती है जिनका किसी न किसी बिल्डर में पैसा फंसा हुआ है और वो बिल्डर या तो डिफॉल्ट कर चुका है या फिर उसका प्रोजेक्ट बन नहीं पा रहा, तो उनका पैसा बेसिकली पड़ा हुआ है। तो उस वो क्या बिल्डर आपको क्या ऑफर करता है कि आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी या फिर जो भी फंसी हुई प्रॉपर्टी है उसको लेकर आइए और यहाँ से मुझसे नई प्रॉपर्टी लेकर जाइए, यहाँ आपका पैसा सेव है, अब इस प्रॉपर्टी में पैसा लगाइए और इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी आपका रिटर्न है उसको रिटर्न को कमाइए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो स्कीम्स होती हैं ये रेजिडेंशियल में तो खैर नहीं निकलती, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को जल्दी बेचने के लिए ही इस तरीके की स्कीम्स निकलती है। प्रॉपर्टी एक्सचेंज स्कीम काम कैसे करती है कि मान लीजिए आपने किसी एक बिल्डर में बुकिंग करवाई थी, वहाँ पर आप करीबन अभी 10 लाख रुपए जमा कर चुके हैं और अब वो बिल्डर या तो डिफॉल्ट कर चुका है या उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो अब आपके 10 लाख रुपए ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, आप उनका कोई ना इस्तेमाल हो रहा है ना बिल्डर आपको उन पैसों को वापस दे रहा है और अब आप परेशान हैं। तो जो एक्सचेंज प्रॉपर्टी वाला ऑफ़र है बिल्डर है उसमें आपको ये ऑफ़र देता है कि मेरी एक प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है, मान लीजिए 30 लाख रुपये मेरी वैल्यू है, उसमें से 10 लाख रुपए की वैल्यू आपने जो वहाँ दिए हैं जो अदर बिल्डर में आपके पैसे फंसे हुए हैं उस प्रॉपर्टी को मुझे दीजिए, 10 लाख रुपए मैं आपको एडजस्ट कर दे रहा हूँ और आप 20 लाख रुपए मुझे उसके बदले में दे दीजिए और मैं आपको नई प्रॉपर्टी दे देता हूँ और इस नई प्रॉपर्टी को आप लीजिए और उसको आगे जब भी मैं हैंड ओवर करूँगा या जो भी है उसको, मतलब वो प्रॉपर्टी आपकी हुई आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा। सो ये तो हो गई प्रॉपर्टी एक्सचेंज स्कीम की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आपको अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बिल्डर के यहाँ आपको सबमिट करनी है और उसके नई प्रॉपर्टी में बुकिंग करवानी है और जो भी अपना पुराना अमाउंट है उसको आप एडजस्ट करके नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बट अब इसमें आपको एग्जैक्टली बेनिफिट है भी या नहीं और बिल्डर की जो टर्म्स एंड कंडीशन है जो नई प्रॉपर्टी आप ले रहे हो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। तो पहली टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने ज़्यादातर देखी है प्रॉपर्टी एक्सचेंज स्कीम्स में वो ये होती है कि जो भी आपका पैसा फंसा हुआ है उसका करीबन करीबन आपको 2.5 से लेकर 3 गुना की प्रॉपर्टी के वैल्यू आपको नए बिल्डर में खरीदनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि 10 लाख रुपए आपके ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं, तो यहाँ आपको करीबन करीबन 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपको खरीदनी पड़ेगी, तो यानी कि 20 लाख रुपए आपको और देने पड़ेंगे। एक दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो स्कीम्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में ही मिलेंगी, रेजिडेंशियल में ऐसी स्कीम से निकलने के चांस मैंने तो खैर आज तक कभी देखी नहीं रेजिडेंशियल में ऐसी स्कीम, बट कमर्शियल में इस वजह से निकलती है क्योंकि कमर्शियल थोड़ा सा लेट बिकता है या फिर उनकी जो बची हुई यूनिट्स होती हैं उनको बिल्डर को बेचना होता है तब इस तरीके की स्कीम से निकालता है। रेजिडेंशियल में तो क्या है कि डिमांड ही इतनी होती है कोई ना कोई ले ही लेता है, तो रेजिडेंशियल में इतनी इस तरीके की स्कीम मैंने तो खैर नहीं देखी आज तक, अगर आपने देखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि बिल्डर की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में ग्राउंड फ्लोर की दुकानें और फर्स्ट फ्लोर की दुकानें वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिना किसी तरीके की स्कीम्स को लेकर निकल जाती हैं। अब जो बची हुई यूनिट्स हैं जो यानी कि अपर फ्लोर ऑफिस स्पेस बचे हुए कोवर्किंग ऑफिस स्पेस स्टूडियोज़ ये अगर निकलने में प्रॉब्लम आती है तो बिल्डर ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई स्कीम निकालता है, तो जिसमें कि एक्सचेंज प्रॉपर्टी स्कीम भी एक होती है। लेकिन अब आपके लिए प्रॉब्लम यह है कि बिल्डर तो अपने प्राइम यूनिट्स पहले बेच चुका है और अब आपको प्रॉपर्टी एक्सचेंज स्कीम्स में जो बची हुई यूनिट्स हैं उनको आपको बेची जा रही हैं, तो अब आपके लिए प्रॉब्लम यह आएगी कि ऑलरेडी आप किसी और प्रॉपर्टी में 10-12 लाख रुपये फंसा के बैठे हुए हो, यहाँ आपसे बोला जाएगा कि कम से कम 2.5 से 3 गुना की प्रॉपर्टी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप नई प्रॉपर्टी में बुकिंग करवाइए। अब एक तरफ तो आपके ऑलरेडी पैसे फंसे हुए हैं, यहाँ आपके पैसे नहीं फंसेंगे, यहाँ आपको स्कीम में प्रॉपर्टी मिल भी जाएगी, हैंडओवर भी मिल जाएगा, पोजीशन हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल गई। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम लीज़ पर्पज़ से खरीदते हैं, यानी कि मैं अगर दुकान या ऑफिस लूँगा तो मुझे आगे रेंट पर उठाना है, लेकिन जो प्राइम प्रॉपर्टीज़ थी वो तो पहले बिक गई। बची हुई प्रॉपर्टीज़ में दिक्कत ये आती है कि हर जो ऑफिस या दुकान अगर मैं बोलूँ तो हर कमर्शियल प्रॉपर्टी लीज़ पर नहीं उठती, सेकेंड थर्ड फ्लोर पर अगर आप जाएंगे तो दुकानें बहुत ही कम लिस्ट होती हैं, बहुत सारे कमर्शियल
प्रॉपर्टीज़ आपने देखे होंगे, मॉल देखे होंगे या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स देखे होंगे जो कि आज के टाइम पर खाली पड़े हैं। केवल जो फ्रंट की दुकान है या फिर जो प्राइम यूनिट्स है वही लीज पर उठी हुई है। तो अब आपके लिए प्रॉब्लम क्या आएगी, पहले तो आपके 10 लाख रुपये फंसे हुए थे, अब आपने 3 गुना के अकॉर्डिंग 30 लाख रुपये की प्रॉपर्टी ले ली, 10 लाख आपके वो बराबर होने के बाद 20 लाख बचे, यानी कि अब आपने 20 लाख रुपये और लगा दिए। अब वो प्रॉपर्टी का आपको हैंडओवर मिल गया, लेकिन अब वो प्रॉपर्टी आपकी लीज पर नहीं उठ रही। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि प्रॉपर्टी एक्सचेंज स्कीम में अगर आप पैसे लगा रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी आपका पैसा फंसा हुआ है, चलो वो कुछ अमाउंट था, अब यहाँ आप 2 गुना अमाउंट एक्स्ट्रा और दे चुके हैं, अब वो प्रॉपर्टी आपकी हैंडओवर तो मिल गई, लेकिन आपके मन की तसल्ली हो गई कि हाँ आपको हैंडओवर मिल गया, लेकिन अगर वो लीज़ पर नहीं उठेगी तो समझिए आपका नुकसान 10 लाख की जगह 30 लाख हो गया। और उसके अलावा जब हैंडओवर हो जाएगा ना तो आपको अपने जेब से मेंटेनेंस भी भरना पड़ेगा, और मेंटेनेंस कम से कम प्रॉपर्टीज़ के जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक छोटी से छोटी दुकान का भी ना 4 से 5 हज़ार रुपये के आसपास का मेंटेनेंस होता है। बहुत सारे कमर्शियल खाली पड़े हैं, मैं किसी का नाम तो खैर नहीं लूँगा, लेकिन आप जाकर देखिएगा। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर कोई प्रॉपर्टी एक्सचेंज स्कीम आती है और अगर आपको ये देखने को मिल रहा है कि मेरा पुराना पैसा फंसा हुआ है, वो मेरा पैसा निकल जाएगा, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पहला पैसा निकालने के चक्कर में और ज़्यादा कहीं पैसा आपका ना फंस जाए और आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल जो है वो आपको मिल तो जाएगी लेकिन लीज पर उठेगी या नहीं, आगे आपको काम में आएगी या नहीं, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही।